वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। जैसे आज मैं अपने चैनल पे दिखाने जाऊंगा कि हाउ टू कीप योर व्हाइट शूज क्लीन, वो भी बस 5 मिनट लगेंगे आपको व्हाइट शूज अपने क्लीन करने में, ठीक है। जैसे आज मैं अपने शूज क्लीन करने जाऊंगा, जैसे आज मैं अपने शूज जो है वो है नाइक जॉर्डन रेट्रो के, ये वाले नाइक जॉर्डन, ये वाले शूज क्लियर क्लीन करूंगा। बहुत आसान तरीका है और सामान भी बहुत कम लगता है इसमें। जैसे इसके लिए बस आपको चाहिए एक व्हाइट पेस्ट, जिसको हम लोग कोलगेट भी बोल सकते हैं, और आपको एक टूथब्रश चाहिए जो यूज बेकार होगा जो पड़ा उसको ले सकते हैं। उसके बाद एक कपड़ा चाहिए और एक बॉल में बस पानी चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग को इसको जब साफ करना है, सबसे पहले हम लोग को इसको लेस खोलने पड़ेंगे, ठीक है। लेस खोलने के बाद फिर हम लोग को इसको सबसे पहले रब करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे साफ कर लेंगे अच्छे से। जब ये साफ हो जाएगा अच्छे से, उसके बाद फिर उसके ऊपर पेस्ट लगा के इसको साफ किया जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाने जाऊंगा कि इसको साफ कैसे किया जाएगा पूरा, ठीक है। फाइनली गाइस, जैसे मैंने अपने शूज धो चुका हूँ, साफ कर चुका हूँ, कोलगेट से मैंने साफ किए थे। देखिए बहुत इंस्टेंट ग्लो करते हैं। अगर आप यही शैम्पू से साफ करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, 3-4 घंटे आपको लग भी जाते हैं धूप में सुखाने में। इससे कहीं ये इंस्टेंट साफ भी हो जाता है और गीले भी नहीं रहते, तो आप इंस्टेंट पहन के बाहर भी जा सकते हैं। और आप मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और शैम्पू से अगर आप धोते हैं तो इसको ना इसके मटेरियल भी खराब हो जाती है, तो शैम्पू को थोड़ा अवॉइड ही कीजिएगा तो अच्छा होगा। बस और आगे आपको वीडियो आती रहेगी शूज के ऊपर।